Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.1 और question number 5 से start करते हैं. ठीक है, question number 5 में है find the vector from the point A to the origin. मतलब कि हमने find क्या करना है? एक vector find करना है. ठीक है, वो vector कौन सा है? A point से origin. मतलब कि AO या OA vector बनता है. ठीक है, where AB vector is given हमें. ठीक है, ए बी वेक्टर हमें गिवन है जो कि बराबर है 4i hat - 2j hat. ठीक है, ये एक वेक्टर गिवन है ए बी, एंड बी इज द पॉइंट, और एक पॉइंट हमें बी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5. सही है, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या क्या गिवन है. एक तो हमें ए बी वेक्टर गिवन है और साथ में हमें उसमें बी पॉइंट भी गिवन है. ठीक है, जबकि हमने फाइंड करना है ए ओ वेक्टर जो कि ए पॉइंट से ओरिजिन तक का वेक्टर है. तो ग्राफिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यह किस तरह से है क्वेश्चन. ठीक है, तो ये देखें, यहां पर हमें कोई सा भी एक वेक्टर गिवन है, मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करूंगा. ठीक है, ये एक वेक्टर गिवन है ए बी वेक्टर, लेट्स सपोज ये एक ए बी वेक्टर है. ठीक है, जिसमें ये ए पॉइंट है, इसको किसी और कलर से कर लेते हैं. ये ए पॉइंट है, ठीक है, टेल और हेड जो है वो बी पॉइंट है. सही है, तो हमने हमें ये तो वेक्टर गिवन है, लेकिन इसके साथ हमें बी पॉइंट भी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट से -2, 5. सही है, तो इसको हमने फाइंड क्या करना है, यहां से ए पॉइंट से हमने ओरिजिन तक का वेक्टर फाइंड करना है. मतलब के ये वेक्टर हमने फाइंड करना है. सही है, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर किस तरह से आएगा हम देखें. तो हमें ए बी वेक्टर गिवन है, तो बी पॉइंट भी गिवन है, हम यहां से ए पॉइंट निकाल सकते हैं. वो कैसे निकाल सकते हैं, वो थ्योरेटिकली निकालते हैं. ठीक है, तो थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं कि ए बी, अगर हमें ए पॉइंट गिवन होता और बी पॉइंट गिवन होता और हमें कहा जाता कि ए बी वेक्टर फाइंड करें, तो हम कैसे फाइंड करते. ए बी वेक्टर बराबर होता किसके, बी के एक्स कंपोनेंट. ठीक है, मतलब कि x2 - x1, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं कि बी के एक्स कंपोनेंट मतलब बी एक्स माइनस ए एक्स. ठीक है, और साथ में आई हैट होता प्लस बी का वाई कंपोनेंट माइनस ए का वाई कंपोनेंट. ठीक है, और साथ में जे हैट होता. तो ये हमारे पास बनता ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर हम देखें तो हमें पहले से ही गिवन है जो कि है ए बी वेक्टर 4i hat - 2j hat. मतलब के ये बराबर है 4i hat के. ठीक है, और साथ में ये है -2j hat के. इसके अलावा हमें बी पॉइंट गिवन था जिसके कोऑर्डिनेट से बी पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2, 5. मतलब के -2 जो है वो एक्स कंपोनेंट है, यहां पे हम पुट कर देते हैं -2. ठीक है, तो ए एक्स तो हमें गिवन नहीं है, उसको हम उस तरह लिख देते हैं. ठीक है, प्लस बी वाई यानी कि वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी पॉइंट. बी पॉइंट हमारे पास उसका वाई कॉम्पोनेंट 5 है. ठीक है, जो गिवन है माइनस ए वाई, और साथ में जे हेट आ जाएगा. सही है, इज इक्वल टू ए बी वैक्टर. ए बी वैक्टर जो है वो गिवन है 4i hat - 2j hat, वो यहां पर लिख देता हूँ 4i hat - 2j hat. ठीक है, ये हमें गिवन है, ये मैंने लिख दिया. साथ में जो पॉइंट हमें गिवन था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उसके मैंने पुट कर दिए. तो अब देखें ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, -2 - ax (i hat) + 5 - ay (j hat). ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, वाई कंपोनेंट के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि कंपेयर कर लेते हैं ना इस इक्वेशन को. तो इक्वेशन में देखें दो लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर, लेफ्ट साइड पे जो आई कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट है, वो राइट साइड के एक्स कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, दोनों को इक्वल हमने लिखा हुआ है. तो ये बन जाएगा 4i hat बराबर होना चाहिए -2 - ax (i hat) के. सही है, इसी तरह से वाई कंपोनेंट को भी कंपेयर कर लेते हैं. वाई कंपोनेंट क्या है, यहां पर -2j है. ठीक है, लेफ्ट साइड पे -2j hat बराबर होना चाहिए
5 माइनस ए वाई जे हैट के, सही। तो अब ये देखें हमने किया क्या, इसमें x कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, ठीक है, y कंपोनेंट्स को कंपेयर किया एक इक्वेशन में जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास i हैट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हम इसमें से निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस टू माइनस ए एक्स, और यहां पर बनेगा माइनस टू, ये जे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू इज इक्वल टू 5 माइनस ए वाई, सही है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हम ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन थे हमारे पास, तो यहां से निकाल लेते हैं। तो ए एक्स बराबर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से माइनस सिक्स के बराबर, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू भी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, ए वाई जो है वो बराबर आ जाएगा 7 के, ठीक। तो ए पॉइंट उसमें क्या होता है, ए पॉइंट में एक तो एक्स कॉम्पोनेंट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ए एक्स मतलब कि ए एक्स होता है और एक ए वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं जो कि है माइनस सिक्स और 7, ठीक है, ये बन गया हमारे पास ए पॉइंट। हमने फाइंड क्या करना था, ए से ओ तक का वेक्टर, मतलब कि ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास आए हैं माइनस सिक्स कॉमा 7, ठीक है। तो ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। तो अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, मतलब कि हम ए पॉइंट निकाल चुके हैं, ओरिजिन हमें पता है क्या होता है, 0, 0 होता है। तो यहां से हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ए ओ वेक्टर, ठीक है। तो ये टेल होगी, सही, और ये हेड होगा। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये क्या बनेगा, ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए का एक्स कंपोनेंट माइनस, बल्कि हेड हमारे पास ओरिजिन है, तो ये बनेगा 0, ठीक है, माइनस इनटू टेल का एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस 6। तो इसके साथ आ जाएगा आई हैट, ठीक है, प्लस अब y कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं, y कॉम्पोनेंट हेड का 0 है, माइनस y कॉम्पोनेंट ऑफ टेल इज माइनस 7 है, ठीक है, और साथ में इसकी डायरेक्शन j हैट, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने से 0 प्लस माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 6 ये बन जाएगा 6 i हैट और माइनस 7 j हैट, माइनस 7 j हैट, ठीक है। तो ये वेक्टर हमें फाइंड करना था, ए ओ वैक्टर जो कि पॉइंट ए से ओरिजिन तक का वेक्टर था, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहें, ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू 6, -7, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है और क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है वो देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो, ठीक है। एक हमें वेक्टर गिवन है v वेक्टर जो कि बराबर है 2i हैट माइनस j हैट के, सही है। तो ये हमें वेक्टर गिवन है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, कि हम यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, क्या होता है, v हैट, ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम हैट से शो करते हैं, v हैट इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो v वेक्टर चाहिए जो कि तो हमें गिवन है पहले से, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा किसके बराबर होगा, x कंपोनेंट का x का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है यहां पर माइनस 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास इसका
मैग्नीट्यूड बन जाता है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, 4 + 1 √5 बन जाएगा, ठीक है। मतलब के v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √5, ये हो गया v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √5। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर, v वेक्टर हमें गिवन है पहले से, जो कि बराबर है 2i - j, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या है √5, सही। तो ये भी इसका आंसर है, सही है। तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि 2 / √5i - 1 / √5j, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v, ठीक है, जो जिसकी मैग्नीट्यूड आप चेक भी कर सकते हैं इसका फाइंड करके, ये मैग्नीट्यूड 1 होगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमें वेक्टर्स गिवन है, उसके हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने, बिल्कुल सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको से ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ठीक है। तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, और बी पॉइंट भी हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0, और सी पॉइंट भी हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें कहा है यूज द वेक्टर मेथड। एक तो हमने वेक्टर मेथड यूज करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो मतलब के इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, तो हम खुद से इसके नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का फाइंड करना है हमने। तो किस तरह से फाइंड करना है हमें, पहला पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या कहा गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम क्या होती है के जिसके हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सही है, जिस तरह से ये, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो मतलब के अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, यहां से हम लिखते हैं ए बी सी डी कंसेक्यूटिव है, ठीक है, ए बी सी डी मैंने लिखा, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां पर हमें ए का, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -4, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 0, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 6, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, जो कि हमने खुद से नाम दे दिए उसके कोऑर्डिनेट्स के, एक्स कॉमा वाई जो कि जनरल है, जो हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि एक एडी साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए, एडी साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए बीसी साइड के, ठीक है। मतलब कि ये वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर होना चाहिए, इक्वल वेक्टर मतलब कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स भी सेम होनी चाहिए और साथ में उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी, दोनों वेक्टर्स इक्वल होने चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल होने चाहिए डी सी वेक्टर के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो हम दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी, अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल आ जाते हैं उसका मतलब ये है कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें तो बल्कि ये प्रूव नहीं करना कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं, बल्कि हमें कहा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें से आपने इसके डी वर्टेक्स का जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए डी एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए डी शुड बी इक्वल टू, ए डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी सी वेक्टर, ठीक है, हमने वेक्टर मेथड यूज करना है। तो यहां पे हम ए डी फाइंड करेंगे पहले और बी सी फाइंड करेंगे, सही है। तो ए डी फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे, ए पॉइंट और डी पॉइंट।
ए पॉइंट जो है वो तो हमें गिवन है, सही है, क्वेश्चन में गिवन है 2, -4, और डी पॉइंट जो है वो हमने खुद से उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, सही है। तो यहाँ पे हम ए डी वेक्टर फाइंड करते हैं, दो पॉइंट्स गिवन हो उसका वेक्टर हम किस तरह से बनाते हैं, जो कि हम अभी तक देखते आए हैं पिछले लेक्चर में भी, ठीक है, और इसके फर्स्ट लेक्चर में भी। तो वो क्या था कि ये हेड होगा, ठीक है, डी बाद में आ रहा है, ये हेड होगा और ए क्या है वो टेल है, तो हेड में से टेल को माइनस करना है, ठीक है, तो x -2 हो जाएगा, x -2, सही, ये x कॉम्पोनेंट बन गया, और साथ में y -4, मतलब के y+4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास AD वेक्टर आ गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AD वेक्टर इज इक्वल टू x -2 i hat, ठीक है, क्योंकि ये x कॉम्पोनेंट है, प्लस y+4 j hat, सही, ये बन गया AD वेक्टर। अब हमने और क्या फाइंड करना था, देखें AD इज इक्वल टू BC हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें BC भी चाहिए, तो BC फाइंड करने के लिए हमें B पॉइंट चाहिए और C पॉइंट चाहिए, जो कि हमें दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में, B पॉइंट है 4, 0 और C पॉइंट है 1, 6, तो यहां से हमारे पास BC आ जाता है वेक्टर, तो वो क्या बनेगा, C जो है वो हेड है, B जो है वो टेल है, ठीक है, तो 1, -4, 6, -0, ये एक वेक्टर बन जाता है, अगर इसको आई हैट और जे हैट की फॉर्म में लिखें तो 1 -4 is -3 i hat, ठीक है, प्लस 6 -0 is 6 j hat, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बी सी वेक्टर। हमने कहा था कि ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम है तो ए बी ए डी शुड बी इक्वल टू, ए डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी सी वेक्टर, ठीक है, तो AD वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि बराबर है x -2 i hat प्लस y+4 j hat के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू BC वेक्टर। BC वेक्टर भी हम फाइंड कर चुके हैं, -3 i hat प्लस 6 j hat। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, तो उसका मतलब ये है, ये मैंने इक्वेशन लिखी, तो इसका मतलब ये है कि इसके एक्स कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए और वाई कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो एक्स कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट इसका क्या है -3 और इसका क्या है x-2, तो ये बन जाएगा x-2 शुड बी इक्वल टू -3, ठीक है, एक्स कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया मैंने, ये आई हैट और ये वाले आई हैट वाली टर्म को, ठीक है, x-2 शुड बी इक्वल टू -3, और इसी तरह से y कंपोनेंट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे y कंपोनेंट क्या है y+4 और राइट साइड पे y कंपोनेंट क्या है 6, मतलब कि ये y+4 शुड बी इक्वल टू 6, ठीक है, तब ये जाके दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये है कि उसके x और y कंपोनेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -3, ये यहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1, x शुड बी इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 6 -4 is 2, ठीक है, x और y आ चुके हैं हमारे पास, x और y थे क्या, x और y हमारे पास ये d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं -1 और 4, बल्कि 6 -4 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2, 4 की जगह 2 है, -1, 2, सही, तो यही हमने फाइंड करना था D के कोऑर्डिनेट्स, जबकि हमें गिवन था कि A B C D जो है वो एक पैरेललोग्राम होगी, ठीक है, तो इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया है कि A D C B इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पहले में क्या कहा गया था, पहले पार्ट में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, पी ए आर ए, अच्छा, तो ए डी सी बी, अब इसमें क्या होगा, ये हम किस तरह से करेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं कि एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे, ए डी
सी, सही है। तो इसमें जो है पॉइंट हमें वही गिवन है, ठीक है, डी पॉइंट हमने बस फाइंड करना है इसमें, जिसको उसी तरह हम क्या देंगे एक्स कॉमा वाई, उस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा कि कौन से दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हम रखेंगे, रख सकते हैं या तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू डी भी हम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में अब ऑपोजिट साइड्स बन रही हैं। पहले क्या बन रही थी, ए डी और बी सी बन रही थी, अब यहां पर ए डी बी सी पैरेललोग्राम में कौन सी ऑपोजिट साइड्स बन रही हैं, ए सी और डी बी, मतलब के ए सी शुड बी इक्वल टू, वेक्टर ए सी शुड बी इक्वल टू डी बी, ठीक है, या फिर दो साइड्स ये भी हो सकती हैं, मतलब के ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब के ए डी वेक्टर शुड बी इक्वल टू सी बी वेक्टर, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी भी दो हम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये रख लेंगे या फिर ये रख लेंगे, दोनों से हम जो है कंपेयर करके उसके एक्स कंपोनेंट्स, ठीक है, तो फिर से हम उसका डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे इसमें, जो फर्स्ट पार्ट मैंने खुद से आपको सॉल्व करके दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है।